तो शिवाजी क्या महसूस किया आपने जब आपको इश्क हुआ इतना इंतहा का इश्क हुआ और आपने पूरी लाइफ एक ही बंदे के नाम लगा दी और आज तक आपने बेवा होने के बावजूद भी आपने कोई स्टेप नहीं उठाया और इनके क्या औकात है किसी को देने की वाह वाह वा, वा, कुछ वा, हीरे बेशुमार पत्थर वाह हीरा गिरवा दू मैं आपको नासर चिन्होटी वाह सरदार कमाल मेरा भाई बना हुआ उसने आज तक नहीं मुझे पूछा हार्ट अटैक के बाद भी कि बहन आपका क्या ख्याल भी 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 आज तक नसीम विकी ने कितने साल हो गए तारक जवेद को मरे वो बड़ी तस्वीर लगाता है बड़ा नाम लेता है उनका कभी उसने मुझे नहीं पूछा कि आपका क्या ख्याल है मैं क्या समझती हूँ उनको मैंने पहली बार जबान खोली है आज तक मैंने ये जिक्र नहीं किया और मैं बताना चाहती हूँ तमाम फनकारों को कि कोई किसी पे डिपेंड ना करे यहाँ मरने के बाद सबसे पहले लोग आंखें फेरते हैं अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों कैसी हैं आप लोग आप तो जानते हैं जैसा कि दुर्दान रहमान ऑफिशियल पे मैं आपकी किसी न किसी आर्टिस्ट से किसी न किसी सिंगर से या किसी शोबे में भी कोई काम करता हो उनसे मुलाकात करवाती हूँ आज मैं जिस एक्ट्रेस की मुलाकात आपसे करवा रही हूँ वो ऑलराउंडर हैं सिंगर भी हैं अदाकारी भी करती हैं कॉमेडियन भी हैं ट्रेजिडी भी करती हैं डबिंग भी कर लेती हैं और हर एक की नकल भी उतार लेती हैं और अच्छी हैं बहुत अच्छी हैं तो मैंने सोचा चलिए आज घर में बैठे हुए हैं आई हुई थी तो मैंने कहा उनका आपसे मुलाकात करवा दूँ तो आज की हमारी मेहमान हैं सुपर स्टार शीबा भट्टूम शिबा जी वालेक मैं स्वीट हाजुरदाना जी I shall be वेरी thankful to you that you invite me in your program. कैसी हैं आप अल्लाह अलमदिल्ला का शुक्र है मैंने जब भी आपको देखा है हशाश बशाश, खुश चाहे आपके अंदर कितने भी दुख हैं आप लोगों को ज़हर नहीं करती हैं आप हमेशा प्यार से सबको डील करती हैं मिलती हैं तो कब से काम शुरू किया बचपन से मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी तो हमारे स्कूल में इंग्लिश प्लेज होते थे तो हमारे जो हेड मिस्टर्स थी वो पी के जनरल मैनेजर की बीवी थी अच्छा वो हमें अपने साथ ले जाती थी बच्चों के प्रोग्राम में तो अच्छा। समझ ले बचपन से लेकर इस उम्र तक यही रोजी है यही काम है अल्लाह पाक ने इस काम से वर्ल्ड भी दिखाया और आप जैसे फनकारों के साथ भी काम किया लेजेंडरी और जो कि मेरे फेवरेट है अच्छा शिबा जी आपकी हम शुरुआत से बात करते हैं कि आप स्टूडेंट थी तो आप फील्ड में आ गई तो आई तो आप माशा लोगों को बहुत पसंद आई आपने अच्छा काम किया आपकी अम्मी से भी मैं मिली हुई हूँ उन्होंने आपके लिए बड़ी मेहनत की तो अचानक ये आपको क्या इश्क हो गया था कि आपने इतनी जल्दी शादी कर ली उनकी जो मुझे क्वालिटी पसंद आई वो गरीब परवर थे अच्छा हाँ लोग समझते हैं जो तो क्या आप गरीब थी क्या बात है लेकिन गरीब नहीं थी लेकिन उनको गरीबों में मैंने बांट से देखा अच्छा। तो हर इंसान अंदर से वैसे गरीब ही होता है।, होता है दिल का अमीर होता है अगर जो आप उसको गरीब और अमीर को कंट्रास्ट में रखें ना तो सबसे बड़ा हमारे मजहब में है कि न, आप लोगों की मदद करें मदद न, तो खैर अल्लाह ने कहा लोगों का ख्याल करें तो वो इस तरह के काम करते थे फिर उनकी कुछ डिस्टर्ब जिंदगी थी तो मुझे उन्होंने शादी का प्रपोज किया अच्छा। तो मेरी फैमिली ने बिल्कुल नहीं माना किया या आप नहीं किया। मैं क्यों करती मैं तो अच्छा। मेरा टारगेट था बहुत आगे जाना एजुकेशन तो मैंने देखा कि नहीं ये शख्स इस काबिल है कि शादी शादि जो है ना इसकी जिंदगी बना दूं अच्छा हाँ वो एक प्रदेश में था फिर वो अच्छा भी था फरकार भी था तो इस तरह मेरी शादी लिखी हुई थी तो बाकायदा जिसको शादी कहते हैं वैसी शादी हुई और मैं अवाम को भी कहना चाहती हूँ कि फ़नकारों के भी मसाइल आप लोगों से मिलते जुलते हैं mm. वो भी शादी करते हैं उनके घर घरेलू होते हैं mm. ये जो कुछ लोग समझते ना अजीब खलाई मखलूक हैं इनको तो कुछ भी नहीं आता होगा नहीं, 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 नहीं फनकारों के रिस्पेक्ट किया करें तो शिवा जी आ, क्या महसूस किया आपने जब आपको इश्क हुआ इतना इंतहा का इश्क हुआ और आपने पूरी लाइफ एक ही बंदे के नाम लगा दी और आज तक आपने बेवा होने के बावजूद भी आपने कोई स्टेप नहीं उठाया जबकि आप बेवा लगती नहीं है इसके क्या <laughs> <laughs> मुझे अक्सरियत लोग कहते हैं आप बेवा लगते हैं जब क्या मैं मैली सी

मेरे अंदर वो कोई वो तो आपका स्टाइल बता रहा है जी जी। कि आप अपने आप से इश्क करती हैं हाँ। और अपने आप को हर वक्त डेकोरेट करके हैं। यू नो वेरी वेल दैट आई एम पेशेंट ऑफ पेस मेकर मैं पहली शायद गा रहा हूँ जिसको हार्ट अटैक के बाद फौरन यहाँ पे दिल में यहाँ पेस मेकर इलेक्ट्रॉनिक बायोनिक वोमेन तो यहाँ पे मेरा पेस मेकर है और आपके सामने आठ महीने अभी तक जिंदा हूँ जब तक जिंदा हूँ हंसती रहूंगी जब तक आप ज़िंदा हैं मेरी ऑडियंस के सामने आप रहेंगी अच्छा शिबा जी आप ये बताएं कि ये जो तारिक जावेद साहब थे मैंने सुना है कि ये नसीम विक्की ये बड़े बड़े फ़नकारों को वो लेके आए फील्ड में और उनके वो उस्ताद भी कहलाए तो जब तारिक साहब के मरने के बाद क्या किसी ने आपको पूछा कि आपके उनके जितने शागिर थे भाभी या बाजी या पाँ क्या कोई चीज़ की ज़रूरत है कुछ हमारी लाइक खिदमत है हमें बताएं किसी ने साथ दिया आपका क्या कहूँ इस बारे में मैंने पीछे अक्सर ख़वात को देखा इंटरव्यूज़ में उन्होंने बड़ा बुरा भला कहा है मख्त फनकारों को जो उनके हस्बैंड्स के शागिर थे मैं पढ़ी लिखी हूँ करूँगी बात मैं वैसी ही लेकिन इंतहाई तमीज़ के दायरे में बिल्कुल जिसका जितना जर्फ होता है ना उसकी उतनी ही जिंदगी आवाज होती है मैं एक खानदानी घरेलू गर, तबके से ताल्लुक था पढ़ी लिखी हूँ मैं मैं किसी पे डिपेंड जिंदगी में नहीं किया नहीं किया हस्बैंड में, में मेरे टॉप ग्रेड के फनकार थे जिन्होंने सारी जिंदगी लोगों को दिया है वाह 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 उसकी ये बीवी किसी के पास लेने क्या जाती और इनके क्या औकात है किसी को देने की वाह वाह कुछ हीरे बेशुमार पत्थर वाह हीरा गिरवा दूं मैं आपको ना सची ने उठी सरदार कमाल मेरा भाई बना हुआ hmm. उसने आज तक नहीं मुझे पूछा हार्ट अटैक के बाद भी के hmm. बहन hmm. आपका क्या ख्याल hmm. हाल क्या है hmm. और नसीमी की वो कहीं भी मुझे मिलता है तो मैं उसको देख के मुझे हंसी आती है hmm. अभी खातून ने उसको बद नसल कहा है hmm. मैं उसको बद नहीं कहूंगी hmm. देखिए इंसान अपने बिहेवियर से पता चलता है उसका कि वह बद है या नहीं ठीक hmm. है ना मैंने कहा नहीं उसको hmm. आज तक नसीम विकी ने कितने साल हो गए तारक जवेद को मरे वो बड़ी तस्वीर लगाता है बड़ा नाम लेता है उनका कभी उसने तारक जवेद की फैसला बात की फैमिली जिसमें उसके भाई भाइयों के hmm. बच्चे hmm. हाँ मैं यहां कभी उसने मुझे नहीं पूछा कि आपका क्या ख्याल है hmm. मैं क्या समझती हूँ उनको What? जिनकी पूरी हिस्ट्री मेरे सामने है अंधोनाक ये तो दुनिया में कैसे फेस करते है? मुझे आज तक समझ नहीं आती आप समझती को पता सबको अरे ये इतने दलेर है किस तरह एक दूसरे को फेस करते? मैं इनको क्या समझती हूँ ये अपने घर वालों को नहीं पूछती तो उन्होंने मुझे क्या पूछना था अलहमद मैं शिबा बाटू मैं कौन से तिगड़ता औरत थी जो इनके पास जाती बल्कि इनमें से कईयों को मैंने म्यूजिकल फंक्शंस में भी परफॉर्म करवाया उनको पैसे दिलवाए मैं आज तक इंडिपेंडेंट अपने पाओं पे खड़ी हूँ ये आप नाम लेते हैं जी उनके शागि का उनमें एक दो हीरे बाकी दो सारे पत्थर निकले सही मैं तो इनका नाम भी नहीं लेना चाहती ये पहले अपना स्टैंडर्ड तो बना आपकी खुददारी है की आपकी कहती हैं कि मैं किसी की वो मुथाज नहीं हूँ जफरी खान की क्लास है हैं जी? शेलामस शेलामस है जी इसके ही बात है मैं जब हॉस्पिटल में थी तो कराची से स्पेशल मेरी खातर जहाज पे आए हैं और मुझे हॉस्पिटल आके पूछा नर्गिस परदेश में थी अल्लाह उसको इससे ज्यादा अता करे वो इनतहाई मजहबी रुझाना तो उनकी मैं बातें सुनती हूँ मैं अशश करती हूँ कि ये है हमारी फील्ड के लोग इनको जरा देखे गौर से नरगिस मेघा दुर्दाना रहमान मुझे किसी और को क्या देखना है इन्होंने मेरे साथ इतना बिहेवियर अच्छा किया है मुझे बिहेवियर ही चाहिए था मेरे साथ जफरी खान अभी तक वैसे मिला नहीं लेकिन मैं उसके लिए दुआ गो हूं बहुत अच्छा है परफॉर्मर है उसकी क्लास है उसकी पर्सनैलिटी है इनकी क्या पर्सनैलिटी है मुझे बात ही नहीं समझ में आती बात क्या करते हैं नकाल लोग उमर शरीफ और तारिक जवेद के जो नकलें करके बने और जिसका अपना पन्ना उसको मैं क्या समझती हूँ अगर ये मेरी दुआएं तब लेता मैं क्या इनके पास पैसे मांगने गई सुना है के एक बड़ी आर्टिस्ट कि इनके किसी भी दरवाजे पे नहीं गई मुझे गिला है सिर्फ और सिर्फ कमाल से, जिसको मैं भाई समझती रही कहती रही आज तक उसने मुझे नहीं पूछा कि आपका क्या हाल है हॉस्पिटल तक नहीं आया ताजी बात पुरानी तो छोड़ो पुराने तो किसी ने मुझे पूछा नहीं मुझे अल्लाह ने अपने साथ रखा अल्लाह लंबी जिंदगी दे मुझे आपने जज्बाती कर दिया बस आंसू नहीं की देंगे ये रोएंगे अभी भी रोते छुप छुप के जो इनके कारनामे है ना गलत इनके घरों में जाके देखे क्या कुछ नहीं होता इनका माजी कितना बुरा है किस तरह फेस करते हैंगे लोगों को मुझे आज तक समझ नहीं आती कहाँ गई इनकी गैरत जब इनमें गैरत ही नहीं तो उन्होंने मुझे क्या फेस करना और दूसरी बात ये अलहमद आई एम शीबा बट चार पासपोर्ट मेरे दुनिया भर के वीजों से भरे और मैं उमर शरीफ की आर्टिस्ट हूँ अल्लाह उसको जन्नत रसीव करे वो क्लास का फनकार था मैं उसके बराबर किसी को नहीं समझती सोहेल अहमद और आ, उमर शरीफ के नहीं। और इफ्तार ठाकर के ये वो लोग हैं जिनकी पर्सनैलिटी है जिन्होंने हस्तियां बनाई कीड़े मकौड़े ये सारी जिंदगी सिसकते रहेंगे गंदे नाले में Uh, शीबा जी ज़़गे ज़़गे किया मुझे इसलिए आप प्यार करती और मैंने कभी किसी की बात नहीं की आज तक दिस इज माई फर्स्ट इंटरव्यू एंड वेरी ब्रेव एंड वेरी ट्रूली इंटरव्यू आई एम शिबा बट ये तिगड़दम लोग इनको मैं क्या समझती हूँ ये पहले अपने गुना बख्शवाएं पहले अदाकारी करना तो सीखें पहले मुंह तो चलाना सीखें किसी की बातें करके सिफारिश से आगे आके हिट हो जाना मैं इनको फनकारी नहीं मानती जिन्होंने मेरा ख्याल नहीं किया जिन्होंने की वेद का ख्याल नहीं किया बड़े पहले लो, बड़ 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 लो, जो, जो करता है ना आप अच्छी तरह समझते हैं ये कौन इस तरह की गुफ्तु करता है उसकी तो पहले जबान में सौ दफा बात अड़ती है तो मैं अच्छा शिवा जी आप ये बताएं कि माशा आप इतनी खूबसूरत बन के डेकोरेट होकर तो आप घूमते फिरते हैं तो आपको ऑफर्स तो बहुत आती होंगी कि कोई आपको इस नज़र से भी देखता होगा या शादी की भी ऑफ़र देता होगा तो आप सुनाएं कि कोई ऐसी ऑफ़र आई या आपने कोई सोचा कि यार अगर ये मुझे इतना कह रहा है तो चलिए मैं कुछ अपनी ज़िंदगी के लिए सोचूँ <laughs> वैसे आप ना बहुत दिक्कत है मैं यू आर माई बेस्ट फ्रेंड बल्कि मेरी सिस्टर है आप माह आपकी बेटी है वो मेरी बेटी है मेरे आपके दरीना पुराने तलुका दरीना कहते हैं ना तो नहीं पुरा, गई पुराने बेहतरीन आपकी मेरी जिंदगी के सेटअप रहे हैं और रहेंगे मतदे दम तक बात ये दुर्दाना जी किसकी की नहीं होती कि उसका अब इतने साल हो गए मेरे जितने साल हो गए अकेली मेरे चक्कर स्टम साल होते जा रहे हैं उतनी खूबसूरत होती जा रही है यकीन करें इस तमाम डरिशन में लोगों ने छे छे शादियां कर ली लिया मेरी क्यों नहीं हो रही ये कोई चक्कर है नहीं चक्कर ये नहीं है कि आप क्या किसी को इस नजर से नहीं देखती देखा नहीं, देखा नहीं। और अगर कोई मेरे दिल आपका आइडियल क्या है क्या अच्छा आंखें खूबसूरत और वो फनकारों में तो कोई है नहीं यहाँ जिन के साथ मैंने काम किया अच्छा माशाल्लाह बाल बच्चे सारे और नहीं है ज्यादातर तो ध्यान ही नहीं पड़ा बाहर अंदर मेरा कहीं नहीं अगर फर्ज करें कोई आपको ऑफर करा देता है तो क्या आप जो इसके लिए नहीं नहीं, जो नहीं। मेरी तरह हो, 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 तो मैंने एक मिनट नहीं लगाना लेकिन यहाँ जहाँ मैं अभी तक आप मुतमिन नहीं है कि कोई ऐसा बंदा आपका आइडियल कोई आया नहीं तो जी ऐसा सोचा नहीं अभी तक तो रिजक रोजी रिजक पड़ी हुई है तो ये है कि अगर मुझे को पता भी चल जाए ना तो मैं फिर सोचती हूँ कि यार नहीं ये अवल तो मेरी उस स्केच पे देखें ये बड़ी बात है सोचना पहले मैंने सोच के शादी नहीं की थी वो एक हादसा था वो नहीं, वो नहीं तो वो एक कि वो स्टार्टिंग में जो कहते हैं ना, ना स्टार्ट की जवानी में एक बंदा उसमें हाँ बिल्कुल अब तो सोच समय मैंने मैं काफी लोगों को देखा है जो घरेलू भी हैं उनके हालात देखे बहुत बुरे हैं जैसे मैं इंग्लिश टाइप मेरी पर्सनैलिटी है अपने हस्बैंड की इतनी सेवा करूंगी ऐसे खाने बना के दूंगी इतना प्यार करूंगी इतनी इज्जत करूंगी तो मेरी जैसी औरत ढूंढने से चिराग लेके भी नहीं मिलनी लेकिन वो कहाँ है वो शख्स वो कब आएगा ये आज जितने लोग देख रहे होंगे उनमें से कोई ना कोई तो आपको जरूर मिलेगा मेरे से धोखेबाज ना हो दोखेबाज हुआ तो मैंने उसको तिगड़ दम कर देना तिगड़ आपका कोई तिकड़ दम मेरा बड़ा एक फेवरेट है वो आप किसी भी लफ्स में इस्तेमाल कर सकती है अच्छा। जैसे आप बहुत आज तिगड़ लग रही है बड़ी प्यारी और इसको ये भी वो बड़ा तिगड़दम है किसी तरह भी आप यूज कर सकते हैं अच्छा तो आज जब मैंने थिएटर के चंद लोगों का जिक्र किया है पहली बार और मैं तैयार हूं हर जगह मैदान में उनका मुकाबला करने के लिए क्योंकि मैंने पहली बार जबान खोली है hmm. आज तक मैंने ये जिक्र नहीं किया और मैं बताना चाहती हूं तमाम फनकारों को कि कोई किसी पर डिपेंड ना करे यहां मरने के बाद सबसे पहले लोग आंखें फेरते हैं जो कहते थे ना तारक जी छाटा की है उस्ताद है उन्हें कभी है मुझे पूछा मुझे उन लोगों ने पूछा जिनको मैं जानती भी नहीं और मैं उनको सल्यूट करती हूँ अरे तारक जी में जैसी पर्सनैलिटी तो तुम में से चंदे के अलावा है ही नहीं तो जिनकी नहीं है वो अच्छा आपदा बेगम ने मैंने उसको हालांकि रोका था कैसा आपने क्यों बोला नुँ, लेकिन उसने सही कहा था ये तो बहुत छोटा लफ्ज उसने इस्तेमाल किया आप ये समझे कि ये जो चंद लोग हैं ना जिन्होंने ये हरकत की है कि उसकी बेवा को आज तक सिर्फ ये नहीं पूछा बाजी क्या हाल है आप समझ रहे कि आसमान जितनी गालियां मैं उनको दे रही हूँ अच्छा शिबा जी आप मतलब माशा अब तक काम कर रही हैं थिएटर भी कर रही हैं आप फिल्म भी कोई अगर मिल जाए आपको आप ज़रूर करती हैं तो ज़िंदगी में कोई ऐसे लम्हा तो आते हैं ज़िंदगी में जब बंदा बहुत टूटता है बड़ा परेशान होता है और कोई ऐसा लमह भी होता है कि बहुत खुशी होती है वो कहता है मैं अपनी खुशी किस से शेयर करूँ तो कोई ज़िंदगी में ऐसा लम्हा जिसमें आप बहुत टूटी हों ये लम्हा तारिक जावेद के बाद उसमें बताएं कि कब आप ऐसी टूटी कि आप बहुत डिस्टर्ब हुई हाय हाय बंदा टूटता है एक ही दफ़ा है बार बार क्या टूटना मैं उस वक्त जब पहले मेरे माँ बाप मरे उस वक्त टूट गई सारी उम्र उनको अस्पतालों में ले लेके भागती थी मैं अम्मी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ अब वो सिगरेट बहुत पीते थे उनको दमा हो गया तो उस हसार से नहीं निकली फिर हस्बैंड की खिदमत की वो बीमार हुए फिर वो चले गए कदम कदम पे तो पहले टूट गई उसके बाद एक बहुत बचपन में आप टूट गई और दूसरी बात फिर मैं टूटी नजर नहीं आई किसी को हाय यहाँ अब जरा बोल देना ऐसे तो हजार बात होती है ठीक है तो टूटे लोगों के सामने मैं क्यों टूटती बिल्कुल सही गौर करें टूटे फूटे लोगों के सामने मैं क्यों टूटती उस दिन से आज तक जिस दिन तारक जवेद का जनाजा चला गया और सोहेल अहमद साहब ने मुझे तमासील में पहला ड्रामा दिया उनके मरने के बाद कि मैंने इसका साथ देना है फिर मुझे टीवी पे भी रखा साथ अपने मैं उनको करती। और उमर शरीफ साहब इन्होंने सुने मैं पहले आपका भी जिक्र किया मैं मर्दों की बात करी सुहेल अहमद और उमर शरीफ साहब ने मेरी बहुत हेल्प की है ये नहीं कि मुझे पैसे दिए मुझे काम में मसरूफ रखा कि मैं मुझे पैसे फिर आप सबसे पहले आप थी इतनी मेरी जिंदगी पहले भी आपके साथ गुजरी और अब तक गुजरी है मैंने पहले तारिक जीत के मरने के बाद बारह साल आपके साथ दिन रात गुजारे यहाँ फिर हम करीब रहते थे फिर से सलमान से मेरा प्यार तो मेरी जिंदगी लम्हा लम्हा में टूटी नहीं मैं एक एक लम्हे को एंजॉय किया मैं दरगाहों पर जाती रही हर जगह के लिए अल्लाह ने वर्ड दिखाया अच्छा खाना अच्छा पीना कर्जा कोई नहीं बीमारी कोई नहीं और बाकी जो हार्ट अटैक हुआ था ना ये सोच से हुआ था मैं कराची जा रही थी लेकिन लाहौर में काम नहीं है अच्छा तो बस मुझे सोचो से मेरा हार्ट रेट नीचे चला गया इश्क जैसे आप टिकटॉक पे अगर लगाते हो ना कोई सैड गाना लोग कहते शायद इश्क में नाकामी हंसने वाला हो तो चाहे मोहब्बत हो गई है और अगर हंसाने वाला हो तो कहे पागल हो गया किस तरफ जाए बंदा जी मुझे शायरी का शुरू से क्रेज था मेरे पास बहुत सी चीज़ें क्योंकि आप पढ़ी लिखी आ, मैं, वो मैं लिखती नहीं शायरी का पढ़ने से अच्छा आप आप अगर सुन सुना दें क्योंकि उसके बाद मैंने थोड़ा सा आपका गाना भी अपनी ऑडियंस को सुनाना है टाइम ज्यादा जी शेर ये है कि मैं लिखती रहती थी फिर मुझे पंजाबी लिखने का शौक हुआ तो मैं एफ एम पे काम करती थी वहाँ पर एक बहुत अच्छी शख्सियत से मैं मुतासर हुई बहुत बड़े शायर और बड़े आरजे तो बड़ी पर्सनैलिटी उनकी तो उनका नाम है पीर फकीर वीर सिपाही वो पीर फ़कीर वीर सिपाही बहुत बड़े शायर रहे हैं पंजाबी के अच्छा, उर्दू के भी अच्छा। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा फैज किया हिम्मत अता कि मैं कुछ लिखने के ऐसे कि मैं किसी को दिखा दू अच्छा। तो मैंने एक वो वारशा के के मजार पे बैठ अचानक खुद लिखा है कि मैं आज दी हीरा मैनु रांझा मिले ना कोई ये मैं आजकल की दुनिया मेरे पे नहीं है इश्क था ना उस जमाने में अब तो शायद इश्क ना पैदा है मैं आज दी हीरा मैनू रांझा मिले ना कोई ਯਾਰ ਦੀ ਬਲਸਰੀ ਸਾਰੇ ਵਜਾਂਦੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਹ 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 ਅਜਾ ਖਬਰ ਸ਼ਾਨੋ ਮੈਨੂੰ ਰਾਝਾ ਮਿਲਾ ਦੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੈਰ ਕਮਾਵੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਨਮਾਣੀ ਚੱਲੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈ ਵਾਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ पा इश्क दी खैर कोई मैं आज दी हीरा मैं रांझा मिले ना रा वाह जी वाह क्या बात है आप तो सचमुच की शायरा हो गई हैं है। अच्छा अब आप ये बताएं कि आप गाती भी बहुत अच्छा हैं और कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ वो कर देती हैं अनोखा गाना हाथी कर दम मैं थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को थोरा थोरा सा आ, आप कहें और मैं गाना ना गाऊं जैसा भी आपकी खिदमत पेश है डांस मुझे बहुत अच्छा आता लेकिन मैं कभी स्टेज पे किया नहीं फंक्शन हो गया घरेलू फंक्शन अच्छा अर्ज किया है कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को ना जाने कैसे खबर हो गई जमाने को कभी कहा ना किसी से वाह जी वाह दोस्तों आप देखें आज का इंटरव्यू जो हमारा है ना बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू आपके कमेंट्स बताएंगे कि आपको कैसा लगा और शिबा जी ने अपने दिल की भी बातें की और वैसे भी चटपटी बातें की और बड़ी अच्छी गपशप हुई और आप यकीन करें आज मैं भी बड़ी उदास थी मैं सोई हुई थी जब शिबा आई तो मैंने इनको देख के मैंने कहा चलिए आज, आज आपका इंटरव्यू करती हूँ क्योंकि हमेशा किसी ना किसी शो में ये मेरे साथ ही होती हैं लेकिन आज मैंने स्पेशल इनको कहा जी आपका इंडिपेंडेंट कम अज़ अच्छा इंटरव्यू होता कि लोगों तो तक आपका जाए पहली बार मैं जज्बाती हुई और मेरा जज्बाती होना बनता था मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं मेरा रब मेरे साथ है और जो जो मैंने बातें की हैं वो बिल्कुल सच की हैं और आइंदा भी करूँगी और मैं उनके मुंह पर भी करूँगी मैं बहुत ब्रेव हूँ दलेर हूँ और सबको दलेर होना चाहिए वाह दोस्तों ये थी शिबा बट और बड़ा अच्छा इंटरव्यू हुआ माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया तो अब मुझे इजाज़त दें मिलते हैं हम किसी अगले प्रोग्राम के साथ आपकी दुर्दाना रहमान बहुत शुक्रिया